हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ सेटिंग बताने वाले टेक्नो मोबाइल से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनके फ़ोन में वाईफाई सेटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपरली बताने वाले कि आप अपने फ़ोन में वाईफाई सेटिंग को कैसे कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें कॉमेंट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम पर हम जो सॉल्यूशन लेकर आएंगे उसका वीडियो आपको हमारे न्यू चैनल पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है आपको, आप हमें कमेंट करते हो तो उसका जो सॉल्यूशन है हम आपको सेकंड चैनल पर लाकर देंगे वीडियो बनाकर। तो आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। डिस्प्ले में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वाईफाई सेटिंग को लेकर एक प्रॉपर वीडियो में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपके फ़ोन की सेटिंग में वाईफाई में चले जाना है। और हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले में स्टेटस बार में एक वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसे आपको अगर कनेक्ट करना होता है तो आप इसे ऑन कर देते हो और यहाँ पर आपका जो सेव्ड नेटवर्क होता है, सेव्ड नेटवर्क यानी कि आपके फ़ोन में पहले भी कनेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पर पासवर्ड देकर कनेक्ट कर चुके हैं, वो यहाँ पर कनेक्ट डायरेक्टली हो जाते हैं वाईफाई से अगर आपके फ़ोन में सेव हैं तो। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर इस तरह से ऑन करने से कोई भी वाईफाई नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट नहीं होने वाला है, आपको इसे वापस से ऑफ कर देना है और यहाँ पर आपको इस पर प्रेस करके रखना है और कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर उनको कुछ नेटवर्क शो नहीं होता है, बट वहाँ पर वाईफाई नेटवर्क है बट यहाँ पर आपके फ़ोन में शो नहीं होता है, आपको यहाँ पर स्कैन नहीं कर पाता है फ़ोन। और इस तरह के प्रॉब्लम क्यों आता है कि आपके फ़ोन में कोई नया नेटवर्क यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है? अगर आपके बगल में कोई नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क यहाँ पर अवेलेबल है तो यहाँ पर आपके फ़ोन में भी शो होना चाहिए बट यहाँ पर शो नहीं होता है। तो उसका एक ही रीज़न है, आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वाईफाई को बंद कर देना है और जैसे ही आप बंद कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कैनिंग सेटिंग, और इस स्कैनिंग सेटिंग आपको कुछ ब्लू कलर में देखने को मिलेंगे, उस पर ही आपको टैप करना है। इस स्कैनिंग सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है और जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको मिल चुके हैं वाईफाई स्कैनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डिवाइस में यहाँ पर ऑफ है, तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ है तो इसका मतलब है कोई भी नया नेटवर्क कोई है यहाँ पर स्कैन नहीं कर पाएगा, आपके बगल में जितने भी नेटवर्क होंगे उसको ये स्कैन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर इस तरह का सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होगा। तो आपको सबसे पहले इसको ऑन कर देना है, बट इसने करने से भी आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं होगा, आपको कुछ और भी सेटिंग करना होगा। यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है, इससे तो वाईफाई का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने का चांस कुछ हद तक बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का भी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर इसी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लूटूथ स्कैनिंग वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर इनेबल कर देना है। तो यहाँ से हम इसे भी ऑन कर देते हैं और यहाँ से बैक चले आते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है और ऑन कर देते तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे और जो नेटवर्क्स आपको शो होंगे उसको आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पर आप जब भी कनेक्ट करने जाते हो ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्टेड दिखा देता है या फिर आपको नो इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाता है या फिर आपके फ़ोन में वो नेटवर्क पहले से ही सेव है, यहाँ पर शो तो हो गया बट यहाँ पर ऑटोमेटिक कनेक्ट होने चला गया, यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड आपको दिखा देता है। तो यहाँ से आपको सेव्ड नेटवर्क पर चले जाना है और यहाँ से आपने जितने भी नेटवर्क को सेव कर रखा है उसको यहाँ से आपको फॉरगेट कर देना है, और यहाँ से आपको अब क्या करना है, आपको जो नेटवर्क शो हो रहे थे यहाँ से आपको टैप करके पासवर्ड डाल के यहाँ से आपको वापस से कनेक्ट कर देना है। यहाँ से जितने भी नेटवर्क पर आपको नो इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन आ जाता है उसको आपको डिलीट कर देना है, फॉरगेट कर देना है सेव्ड से, और उसके बाद आपको वापस से आपको पासवर्ड डालकर वहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। जो आपका प्रॉब्लम था वो सही हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आपके फ़ोन में जो वाईफाई कनेक्ट होकर नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी सही हो जाएगा और अगर आपके फ़ोन में स्कैन नहीं कर पा रहा था वो भी सही हो जाएगा। तो आप इतना कर लीजिए, आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएंगे प्रॉपरली। आपको इस वीडियो से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।